मुझे ऐसा फील होता है जब टाइम था तब हम गए नहीं, और अब टाइम है कह सकते हो है भी ये नहीं भी, तो अब मेरा मन नहीं करता है। तो और खाना खाने वाला ऐसे महाभारत है। आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ आज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अभी अभी आशीष निकले हैं ड्यूटी के लिए। आज उनकी आफ्टरनून ड्यूटी थी और कुकु जहाल के पास जा रखी है खेलने के लिए। अभी आने वाली होगी बस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसे गए हुए। और मैं अपना ऑफिस से काम करना मतलब शुरू पहले भी कर दिया था, अभी फिर से कर रही हूँ स्टार्ट। खाना वाना खा लिया मैंने और आज सुबह से व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर पाई थी क्योंकि फ़ोन जो है आशीष लेके जा रखे थे। आज हमने ना कुकू का हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे लेकिन अब जाके वो काम हुआ है। तो हमने उसका सुकन्या योजना जो है ना, जो कन्याओं के लिए है, तो मतलब लड़कियों के लिए है योजना, तो वो हमने प्रोसेस किया उसका आज। तो अभी 7 दिन लग जाएंगे उस प्रोसेसिंग में, उसका अकाउंट खुलने में। तो बस उसी में वो लगे हुए थे तो मेरा फ़ोन लेके जा रखे थे। और वैसे भी फ़ोन भी हमारे पास एक ही है अभी, उनका हो चाहे मेरा हो एक ही बात है। तो बस अभी यही है। और एनिवर्सरी ब्लॉग कैसा लगा आपको? हमने बहुत सिंपल तरीके से करा सब कुछ, हम कहीं गए नहीं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आशीष को छुट्टी नहीं मिलती है। दूसरा ना, अगर बाई चांस छुट्टी वो ले भी लेते तो पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा होने लगा है कि मैं कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। मैं कुछ बताती हूँ, मतलब जब हमारी शादी हुई थी तब हमने सोचा था कि हम जाएंगे घूमने के लिए कहीं पर शादी के बाद, मतलब तो कंडीशन कुछ इस तरह से कोरोना था उस टाइम पे, लॉकडाउन था, तो फिर सीधा ही हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, घर संभालना था, मेरे ऊपर आ गई, आशीष के ऊपर आ गई, तो फिर वो सब हो गया। फिर जब हमारी फ़र्स्ट एनिवर्सरी थी तो हमने प्लान किया था कि हम घूमने जाएंगे, तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट हो गई तो घर वालों ने जाने नहीं दिया कि नहीं जाना कहीं पर भी। तो अब मन अब कुकू हो चुकी है तो अब है 1.5 साल की, लेकिन अभी मेरा मन करता ही नहीं उसे कहीं लेके जाने का क्योंकि वो बहुत परेशान करती है यार। वो सिर्फ मेरे अलावा किसी और पर जाती ही नहीं है, तो उसको संभालना थोड़ा सा मतलब मेरे लिए हेक्टिक हो जाता है, तो मेरा मन नहीं करता अब जाने का। मुझे ऐसा फील होता है जब टाइम था तब हम गए नहीं, और अब टाइम है कह सकते हो है भी ये नहीं भी, तो अब मेरा मन नहीं करता है। तो बस यही है, तो इसलिए हम कहीं जा नहीं पाए और एनिवर्सरी ऐसे ही मना ली हम लोगों ने। बाकी आशीष मुझे बोलते तो हैं कि मैं लेके जाऊंगा कहीं पे, कहीं जाएंगे हम लोग घूमने, बहुत अच्छी जगह जाएंगे, ये है वो है। देखो ठीक है, वो कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, टाइम लगेगा तो हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन ये है कि कभी कभी कोई मतलब फैमिली वाले मना कर देते हैं, कभी हमारा खुद का ही मन नहीं होता है, कभी हमारा बजट नहीं होता है, कभी कुछ होता है, मतलब बहाने पर बहाने बनते रहते हैं और हम कहीं जा नहीं पाते हैं। तो अब सीधी सी बात है, मेरा कहीं अब जाने का सच बताऊँ मन ही नहीं करता, बच्चे को देख के ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि कुकु ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मतलब हद से ज़्यादा परेशान करती है, बेहद परेशान करती है, मतलब ऐसे वाला हो जाता है मेरे साथ। उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आता है फिर कि यार संभालने के लिए उसे कोई भी नहीं है और झेलने के लिए मैं अकेली हूँ, तो इस वजह से मेरा कहीं मन नहीं करता, मैं घर घर में रहती हूँ। तो अभी काम हम कर लेते हैं और बाकी अभी यही है। A few moments later. तो गाइस कुकु आ गई है, कुकु हाय करो सबको। हेलो कलो हेलो, अले मिला गुड बुदुचा, अरे मेरा गुड बुदुचा। गाइस मैंने इसको आज नहलाया नहीं था तो मैं से ये नहाने जा रही है ना, नहाने जाएंगे ना, नहाने जाएंगे, पानी में खेलेंगे, पानी में खेलेंगे हम। आज लेट हो गया थोड़ा सा इसको, क्योंकि जहाल ले गई थी और मैं काम में लगी हुई थी, खाना बनाना था मुझे, जल्दी जाना था ना आशीष को ड्यूटी, तो अभी नहाई नहीं थी, अब नहला देंगे, अब नहला देंगे भाई इसको, चलो नहाई नहाई करने चले, चलो जल्दी। गाइस थोड़ा सा पहले इसे खाना खिला रही हूँ ताकि इसे कपड़े गंदे हों अगर, तो फिर नहाने के बस ये साफ़ सुथरी होके सो जाएगी आराम से। और खाना खाने वाला इसे महाभारत है क्योंकि इसको खेल में लगाना पड़ता है। हाँ जी चला नहीं ये, हैप्पी बर्थडे चलाऊँ, हैप्पी बर्थडे, कुछ ना कुछ में लगाना पड़ता है, फिर खाना खिलाना पड़ता है ऐसे करके। खिचड़ी बनाई थी आज मैंने तो ये खा रही है, थोड़ा बहुत ही खाती है यार, ज़्यादा नहीं खाती, बच्चे ज़्यादा नहीं खाते इतना, मुश्किल से थोड़ा थोड़ा ऐसे खा लेगी फिर मना कर देगी, फिर पानी पी लेगी, बस हो गया। Meanwhile. गुड
इवनिंग गाइस, और अभी 7 बजने वाले हैं, 6:30 हो गए, और यार काम निपटा के रखा ना 6:30-7 बजे जाते, कितना ही जल्दी जल्दी कर लूँ, ऑफिस से काम नहीं खत्म होता, घर के नहीं होते। अब इसे थोड़ा बाहर घुमाने लेके जा रही हूँ। वैसे बस यहाँ का यही फ़ायदा है कि यहाँ थोड़ा रात ना लेट होती है तो मुझे बेनिफिट हो जाता है, वरना कोई काम निपटाते निपटाते ही घर में इतने हो जाते हैं, बाहर जाने का मौका ही नहीं मिल पाता। क्या बोल रहे थे बंदी? बोल कुको, क्या बोल रहे बेटा, क्या बोल रहे हो आप? बच्चा अच्छे अच्छे आदत सीखनी चाहिए, है ना? घर आ चुकी हूँ मैं, और अब खाना बनने का टाइम हो चुका है, थोड़ा लेट ही हो गया, और कढ़ाई चढ़ा दी मैंने, ठीक है। आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ आज, भरवा बैंगन की, भरवा बैंगन बोल लो या बैंगन की सब्जी बोल लो, तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो दिखा रही हूँ आपको आज। तो पहले तो बैंगन ही ले लो, ठीक है, छोटे वाले बैंगन लेने हैं, क्योंकि भरवा बैंगन छोटे बैंगन के होते हैं, और इसमें ये 4 तरह के जो कट होते हैं ना वो लगा लेने चाहिए, ठीक है। इनमें कीड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि कीड़े का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैंने अच्छे से धो के इनको सुखा लिया है, सुखा लो नहीं भी सुखाओ, मतलब पानी निचड़ जाना चाहिए अच्छे से। और ये कढ़ाई में तेल है, तो सबसे पहले तो इनको फ्राई कर लेंगे, ठीक है, हल्का सा इन्हें शैलो फ्राई करना है, और ये जब इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी परत आ जाएगी ना फिर इनको निकाल लेना है, फिर आगे का मसाला छौंकना है। तो गाइस आप देख रहे हो इनका रंग चेंज हो चुका है, ठीक है। आप चाहो तो इनकी डंठल तोड़ सकते हो, पर ये मुझे अच्छी लगती है खाने में, और मैंने अच्छे से धो भी लिया था तो अच्छी है, अच्छी लगती है, मतलब आपको भी ट्राई करना है इसे खा के। तो शायद आशीष भी आ गए हैं, मैं देखती हूँ। जा हल, आज तो बहुत लेट आए भाई। अच्छा आ जा, कुकू अपने कार्टून में लगी हुई है। तो बस ये भुन गए, इनका रंग ही थोड़ा चेंज होना चाहिए, ठीक है, बाकी तो ये जब छौंक लगेगा ना उसमें पकेंगे ये। तो चलो ये निकाल लेते हैं। तो बैंगन निकाल ली गाइस, और इसी तेल में अब आप छौंक लगा सकते हो, हींग गेर दो, फिर गेर दो जीरा, ठीक है। तो गाइस जीरा चटक गया है, और मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए, इनको गेर देते हैं। प्याज अच्छी खासी लेनी है, ठीक है। गाइस आज मेरा लहसुन छीनने का बिल्कुल मन नहीं था, तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास था, जिंजर गार्लिक, तो ये थोड़ा सा गिरती हूँ मैं। वैसे बेसिकली मुझे ये पसंद तो नहीं है, लेकिन ठीक है, अपना टेस्ट आने के लिए थोड़ा सा चल जाता है। तो इतना इसे एक चम्मच के करीब इसे गिर देंगे, एक चम्मच नहीं आधी चम्मच ही होगा, इसको मिला देंगे और भून लेंगे अच्छे से प्याज के साथ। अब इसका जो मेन मसाला है वो यही है, ये टमाटर लिए थे मैंने, छोटे छोटे 3 टमाटर और 5-6 हरी मिर्च, और इसमें मैंने मूंगफली भी पीसी है, मेन तो इसका मूंगफली है। इसमें अगर मूंगफली गिरो ना क्रश वाली तो और भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है ये, तो मैंने इसी के साथ पीस दी, थोड़ी सी सब मूंगफली थी मेरे पास तो मैंने इसी में पीस दी। प्याज भूनते हम ये पेस्ट गिर देंगे, इस प्याज भून चुकी है, अब टमाटर का पेस्ट गिर देते हैं, और इसमें ना मूंगफली आपको दिख नहीं रही है पर मैंने थोड़ी सी गिरी थी, मतलब थोड़ी सी थी भुनी हुई मूंगफली, क्रश करके गिरो ना बहुत अच्छी लगती है, पता है सब्जी बहुत टेस्टी बनती है इससे। तो गाइस टमाटर थोड़े भुन चुके हैं, ठीक है, अब मसाले गिरने की बारी है, तो मसाले गिर लेते हैं, वही अपने बेसिक से मसाले, हल्दी। और काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि कुकिंग ब्लॉग बनाना बड़ा आसान है, ठीक है, तो कैमरे के उधर जो देख रहे हैं लोग उनको तो आसान ही लगेगा, पर जब खुद बनाओगे तब पता लगेगा कितनी मेहनत है इनमें भी, क्योंकि खाना बनाना भी मुश्किल है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें वीडियो बनाना और साथ में बताना कि क्या क्या चीज़ें गिर रही हैं, क्या क्या करना चाहिए,
तो वो और भी मुश्किल होता है। और मैं एक मसाला और मेरा फेवरेट चिकन मसाला एक चम्मच वो भी मैं गिर रही हूँ। ये तो मुझे गिरना बड़ा पसंद है यार। तो गाइस मसाला कुछ इस कंडीशन में आ गया है। अब इसको मैं ढक के पकाऊंगी। अब कुकू परेशान कर रही है जहल को और इसको मैं ढक देती हूँ। पानी गिरने की ज़रूरत नहीं है अभी। जब इसमें बैंगन हम गिर देंगे ना तब इसमें पानी गिरेंगे। तो अभी ढक देते हैं इसको। गैस को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और जब तक ये भून रहा है ना तब तक मैं आटा वाटा छान लेती हूँ। तो गैस मसाला भून चुका है। कढ़ाई पूरी छोड़ दिया मसाले ने, ठीक है। तो अब इसमें हम बैंगन गिर देते हैं जो हमने पहले से फ्राई कर रखे थे। ऐसे गिर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे और अपने अकॉर्डिंग पानी गिर सकते हो। कुछ लोग इसे सूखा खाना ही पसंद करते हैं। मैं थोड़ा सा पानी गिरती हूँ क्योंकि ये पक जाएंगे अच्छे से और अच्छी लगती है। किसी के साथ भी खा सकते हो, रोटी पूड़ी पराठे। ज़्यादा देखो ये नाश्ते में अच्छे लगेंगे पराठों के साथ। तो पीछे आपका आवाज़ सुनाई देती रहेगी उसकी। तो ये मिला दिए मैंने, अब इसमें पानी गिर रही हूँ मैं। ये आधा मग गिर रही हूँ, ठीक है, आधे से भी कम ही गिरती हूँ। चलो ये चलो गिर ही देती हूँ। क्या हुआ पानी तो ज़्यादा हुआ, क्या हो गया? ये देखो फ़ोन में कुछ और कलर आ रहा है यार। वैसे सब्जी का रंग जो थोड़ा रेडिश है इसमें येलो येलो आ रहा है। तो ये हो गए और अभी ना ढक दो, अब पक जाएगी सब्जी और बनके हो गई तैयार। कुछ नहीं करना अब, ठीक है। और मैं रोटी बना लेती हूँ, इसे साइड में रखती हूँ और आशीष जी भी आने वाले होंगे और मिलते हैं आपको। खाना तैयार हो जाएगा फिर दिखाऊंगी, ठीक है। A few moments later. तो गाइस सब्जी बन चुकी है, ठीक है। इस अभी आपको लग रही होगी पानी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन नहीं, पानी ज़्यादा नहीं है। ये थोड़ी देर बाद इसे रखेंगे ना तो ये अपने आप थोड़ा पानी भाप में उड़ जाता है। मैंने थोड़ा पानी भाप में उड़ाया भी है क्योंकि खुला पकाया है, इसको पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इतनी पतली सब्जी हम खाते ही खाते हैं, ठीक है। रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। कुकू क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, कहाँ हो आप, क्या हो गया? और साइड में ना लौकी का रायता बनाना था मुझे, तो लौकी चढ़ा दी, मैं भूल गई थी। अब रोटी बनाऊंगी, इसे हटाती हूँ। सब्जी बन गई है पूरी, ठीक है। मिलते हैं आपको खाने के टाइम पे। आशीष अभी नहीं आया, 9 बज चुके हैं, तो फटाफट रोटी बना लेती हूँ ताकि वो जब आए तो उन्हें खाना तैयार मिले, वरना वो शिकायत करते हैं कि खाना अब तक नहीं बना, ठीक है। मिलते हैं आपको। तो गाइस खाना लग चुका है। अब पतिदेव से पूछ लीजिए आप कैसा बना है खाना। अच्छा बना। भाई कुकू मुझे यहाँ परेशान कर दिया मेरी गोदी में बैठ के। हाँ चला रहे हैं कार्टून, चला रहे हैं कार्टून, चला रहे, चला दो जी कार्टून। बहुत बढ़िया बना। देखो कैसे सारा केक ही खाते हैं। मेरा नाम ले दो। हाँ बेटा अच्छा ले, लो दे दो, दे दो मेरे बेटे को दे दो। गाइस केक खा रहे हैं, उसके बाद सोने जाएंगे। खा लो कर किन्ना छेदान है। सारा केक तो इसकी मम्मी है यही खा रही है, मेरा तो नाम लग रहा है। अच्छा आपको नहीं लगता ये लाडली है बहुत ज्यादा ही? इसको कुछ चीज ना मिले तो ये रोने लग जाती है ऐसी। ले ये लाडला बच्चा बन रहा है हमारा, लाडला बच्चा मेरा बेटा। बस लास्ट अपनी ने मम्मा को खा लो। कुकू डेली के डेली ये करती है। कुकू अब क्या चलेगा? वन। अब देखो मैं बोल दूँ ना तब देखना क्या देती है। वन टू थ्री फोर फाइव। कुकू कुकू सिक्स सेवन एट नाइन। वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है? टेन। चल गया ना? हाँ चल गया, कोई बात नहीं। तो क्या ये देख रहे हो कैसे डर गई? क्या हो गया भाई? आ गए ना, इसको अच्छा लगता है। हाँ चलो चलो ठीक है, जाओ देख के आओ, ठीक चल रहा है? ये लो। अच्छा है, अच्छा है बेटा। तो ये सब कुछ हो चुका है और
बस अब सोना है हम लोगों की, फिर आशीष की ड्यूटी है और मेरा काम है ऑफिस का, तो बस आज का दिन भी ख़त्म हो गया। ठीक है, मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करिए, मैं जाना चाहिए क्योंकि इस बाइक में नेक्स्ट उसका ध्यान रखिए। लाइटिंग थोड़ी डाउन है क्योंकि बंद कर चुकी, मतलब आधी लाइट बंद कर चुकी हूँ मैं पूरे घर की, तो बस अभी चलते हैं सोने के लिए। ठीक है, बाय बाय।